स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी। उतने में एक लेडी ऑफिसर ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनके हाथ पे बहुत जोर से बाइट किया कि मुझे छोड़िए, आप नहीं कर सकते ये सब। फिर कंटिन्यूसली 20-30 मिनट्स तक मैं स्क्रीम करती रही फॉर हेल्प। लड़के लोग थे जिन्होंने बोला कि लड़की है प्लीज जाने दो, ये सब मत करो। फिर ये सब कहा सुनी में जहाँ हमको टाइम मिला, हम लोग वापस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी लॉक करके फिर फटाफट वहाँ से निकलने लगे घर की तरफ। घर से और थोड़ा ही आगे भरतपुर पुलिस स्टेशन है, तो गुरुवंश ने बोला जब हम बाहर हैं और हमारे पास एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो हमने बोला हम कंप्लेंट करते हुए फिर घर वापस जाएंगे। भरतपुर पुलिस स्टेशन हम पहुंचे और जब हम अंदर घुसे उसके स्टेशन के, तो पूरा पुलिस स्टेशन खाली था। बस रिसेप्शन पे एक लेडी बैठे हुए थे अपने नाइटी में, यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज कौन है, उन्होंने बोला वही है। फिर तो मैंने उनको एक FIR लिखने के लिए बोला, उनको मैंने एक्सप्लेन किया पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ। उन्होंने कोई मुझे ध्यान नहीं दिया और फिर मुझे उनको फिर से रिपीट करना पड़ा कि ये ऐसा ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो जाके मेडिकल करवा के लेके आओ। मैं बोला हम मेडिकल खुद से हमें कहीं कुछ नहीं कराना है, हम आसपास घर जाएंगे, हमें आप बस FIR लिखिए, देन हम वहाँ से चलते बनेंगे। उन्होंने फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया और बोला जाके आप चुप करके बैठ जाओ, हमारा पेट्रोल व्हीकल वापस आएगा, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स आएंगे, आप वहीं बात करना। कुछ आधे घंटे या 40 मिनट में वो पेट्रोल व्हीकल वापस आई, जिसमें से और 2 फीमेल ऑफिसर्स और 3 मेल ऑफिसर्स आए। और फिर उन लेडी ने उन सबको बताया कि मेरा गुरवंश वहाँ पे उनको चीख चिल्ला रहे हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। हमने फिर से वापस रिपीट किया कि हमें बस FIR लिख के वहाँ से निकलना है। फिर एक मेल ऑफिसर ने एक पेपर और कलम गुरवंश को दिया कंप्लेंट लिखने के लिए, और जैसे ही वो एक लाइन लिखना खत्म किए थे, उतने में ही पीछे से एक मेल ऑफिसर ने उनको आके पकड़ के उनको पूरा स्ट्रिप डाउन करके उनके सारे के सारे बिलोंगिंग्स लिए और उनको खींच के, उनका शर्ट भी फट गया था, उनको खींच के लॉकअप में डाला। जब लॉकअप में डाला तो फिर मैं बहुत ही उनको बहुत ही जोर से बोली कि आप ये नहीं कर सकते हैं और ये इलीगल है, क्योंकि वो मिलिट्री आर्मी में है और आप उनको सेल में नहीं, कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। और मैंने उनको एक्सप्लेन और आइडेंटिटी करवाया कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं समझ रही हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं क्रिमिनल है, आप नहीं कर सकते इसको। फिर वो मुझे अब्यूज़ करना शुरू किए, वन ऑफ द फीमेल ऑफिसर्स ओडिया में, कि तू आप कौन बेसी बताएगू, और फिर बहुत सारे अब्यूज़ दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा FIR, प्लीज बताएं। मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी, मैं जो सोच पा रही हूँ, मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर 3 लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा रहे हैं इसी बतेबू, और फिर बहुत सारे अब्यूज़ दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा FIR, प्लीज बताएं। मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी, मैं जो सोच पा रही हूँ, मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर 3 लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा रहे थे। तब तक एक कॉरिडोर में थे, तो मैं जितना भी स्ट्रगल कर पाई उनसे बचने के लिए, दीवार पकड़ के उनको फाइट करते जो मुझे दिख रहा था, उनके हाथ पैर, मैं स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी।
उतने में एक लेडी ऑफिसर ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनके हाथ पे बहुत जोर से बाइट किया कि मुझे छोड़िए, आप नहीं कर सकते ये सब। फिर कंटिन्यूसली 20-30 मिनट्स तक मैं स्क्रीम करती रही फॉर हेल्प। कॉरिडोर के एंड में देखा तो एक मेल ऑफिसर आर्म्स क्रॉस करके खड़े होकर बस देख रहे थे। कुछ मिनट तक मैं सर हेल्प चिल्लाती रही, वो बस स्टेप कर रहे थे और अपने लेडी ऑफिसर्स को बोले तक भीतर नहीं कि जा से पार्टी करुची बाहर के सुनी दबो। तो फिर वो मुझे और खींचने लगे और ये सुनते हैं कि वो रूम में लेके जाएंगे मुझे, मैं और हाइपर हुई और मैं और चिल्लाने लगी। उन्होंने मेरा जैकेट रिमूव किया और उसी जैकेट से मेरे हाथ पीछे बांधे और एक लेडी ऑफिसर के स्कार्फ से मेरा पैर बांधा और फिर मुझे लेके रूम में जब डाला, दो मेल ऑफिसर मेरे हाथ पे और एक ऑफिसर मेरे पैर पे अपना वेट लेके खड़े हो गए ताकि मैं मूवमेंट ना करूं, और एक फीमेल ऑफिसर मुझे कंटिन्यूसली फेस पे किक करती रही, बॉडी पे मारती रही। और फिर वहाँ पे मुझे उन्होंने कुछ देर छोड़ दिया था, करीबन 15-20 मिनट, और मैं चिल्ला ही रही थी कंटिन्यूसली तब तक। फिर 6 बज गए होंगे क्योंकि मुझे पता था कि 6 बजे उनके IIC में आना था, तो IIC फिर रूम एंटर करते हैं और वो वापस 3 लेडी ऑफिसर्स एंटर करते हैं मुझे, और फिर वापस मुझे पीट रहे थे। और फिर IIC ने मुझे चिल्ला के बोला कि कहे कि इतने पार्टी मुंडो कर चु तो रिकॉर्ड नहीं ची। देन मैंने उनको बताया कि अगर आप यहाँ पे सीनियर हैं और अभी आए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने आके भी मुझे एक फेस पे लात मारा और एक लेडी ऑफिसर ने मेरा पैंट पुल डाउन किया और वो IIC ने अपना शर्ट रिमूव कर टेक आउट करके अपना पैंट नीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मेरे मुंह के सामने हिला के बोला कि तू कहते थोड़ा नींबू की चुप हो। फिर उसके बाद ये एक्शन लेके आई हैड लॉस्ट ऑल होप कि मारा पीटी तो हो रहा है, अब ये नहीं हो सकता मेरे साथ। तो मैंने अपना फेस ग्राउंड में ही ऐसे अंदर दबा दिया था और फिर मैं बस प्लीज 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 नो, प्लीज नो चिल्ला रही थी, नो प्लीज नो चिल्ला रही थी। उसके बाद वो लोग फिर बाहर चले गए और कुछ देर के बाद गुरवंश आए और उन्होंने मुझे फ्री किया, खुला मुझे अनटाई किया और मुझे लेके जाके रिसेप्शन तक बैठे। तब तक एक्चुअली ACP भी आ चुके थे उस पुलिस स्टेशन में। फिर हम उनके रूम के अंदर जाके उनको बताने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने भी हमको डांट के और हमें ही गलत बता के बाहर बैठने को बोला। फिर अराउंड 8 o'clock जब मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लग रही थी, मुझे नॉशियस और चक्कर फील हो रहा था, मैंने उनको बोला मैं मेडिकल जाना चाहूँगी, मेरे साथ बहुत ब्रूटालिटी हुई है, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो बहुत बार बोलने के बाद उन्होंने अपने पुलिस व्हीकल में मुझे गुरवंश, 2 मेल ऑफिसर्स और 3 फीमेल ऑफिसर्स के साथ सम हॉस्पिटल भेजा जहाँ पर मेरा मेडिकल होना शुरू हो गया। मैडम आपको वहाँ से जेल डायरेक्ट मेडिकल से? मेडिकल से मैं वापस मेडिकल सम में मैं कुछ 5-6 घंटे रही होंगी, जहाँ पे उन्होंने स्लोली पहले ऑर्थो आए, गायने आए, न्यूरो आए, जनरल मेडिसिन आए, आके मेरे को चेक किया, मेरा जॉ टूटा हुआ था, डांट टूटा हुआ था, तो एक मैक्सिलोफेशियलॉजिस्ट ने भी आके मुझे चेक किया। धीरे धीरे अपने फाइंडिंग्स और रिव्यूज लिखे कि CT चाहिए होगा, एक्सरे चाहिए होगा। वापस 5 PM को वापस भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुँचे होंगे हम। फिर वहाँ पे वो लोग अपने पेपर वर्क कर रहे थे और बोला कि मेरे अगेंस्ट FIR है कि मैंने पुलिस स्टेशन आके पुलिस ऑफिशल्स के साथ बीटिंग किया है, उनको अब्यूज़ किया है फिजिकली, और उसी के लिए मेरे अगेंस्ट FIR है। फिर अराउंड 8 PM एक पुलिस वैन में लेके मुझे बोला कि बस कुछ पेपर वर्क के आपको ले जा रहे हैं। अभी तक भी मुझे नहीं बताया गया कि मैं प्रिजन जा रही हूँ, मेरे खिलाफ FIR है, मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट है,